अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं तैर खान, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो व्लॉग बना रहा हूं ना, मुझे बिलाल भाई ने बताया और मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा अफसोस लगा हुआ है। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह। अफसोस इस बात का लगा हुआ है, जो नीचे हमने कबूतर रखे हुए थे पिजन, तो कहीं किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था। तो शाम के टाइम ना वैसे चहलकदमी के लिए वो खोल देते, क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप है ना ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक वो है, एक यहाँ पे जो है ना वो बनने हैं, इनका कमरा बनना है। बाकी जाली वगैरह बन गई हैं सारी, और सिर्फ इनका कमरे बनाने और जालियों के आगे वो जालियाँ जो है ना वो सारी सेट हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा रूम बनाना है इनके लिए, कबूतरों के लिए ना। तो अभी वो छोटा सा सेटअप है, कुछ जो है ना नीचे रखे हुए हैं, तो इस वजह से वो फिर खुले छोड़े। और बिल्ली आई है, उसको तो भाई ज़बरदस्त किस्म का ये कह लें, जैसे इतने बड़े चिकन जितने तो हैं, वो उठा के जो है उसका अब्बा भी और बेटा भी दोनों चले गए, अम्मा को छोड़ गया वो बिल्ला, और वो दोनों को उठा के और खाया भी हमारी छत पे है उसने, ठीक है। पता उस टाइम लगा जब वो लेके चली गई थी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमें इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि हम इतनी सर्च के बाद ही हमें जो है ना ये जो है कबूतर मिलते हैं। तो अभी जाके मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कैसे उसने ये अटैक किया कबूतरों पे और कैसे वो लेके गई है। और फिर इसके बाद हमने जाना है, एक अंकल हैं उनके पास, उनके गांव जाना है। वहाँ उन्होंने हर नस्ल की जो वैरायटी रखी हुई है, और मैं आपको उनकी यूनिक जो पिजन है, और मतलब उन्होंने हर किस्म के परिंदे रखे हुए, आज मैं आपको सारे दिखाऊँगा। माशाल्लाह उनकी तारीफ वाली सुनी है मैंने, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और जाके आपको सारा वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो है ना, क्योंकि वो सेटअप बना हुआ है, और यहाँ से ऐसे दरवाज़ा खुला है, और यहाँ जो दरवाज़ा खुला हुआ था यहाँ से बिल्ली आई है। बिल्लियाँ पहले भी फिरती रहती हैं, और यहाँ आके ये कहीं बाहर खुले हुए थे। इसके साथ जो एक जो था ना मादा था, वो भी उठा के बच्चे भी ले गए, ये सिर्फ खाली रह गए, लेकिन वे ऊपर से एक लेके आए नीचे। और अभी ये सेटअप दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखें जी, ये बोलने वाला तोता है माशाल्लाह। अब ये बोलेगा मियां मिठू, मियां मिठू बोलो, मियां मिठू, मियां मिठू। माशाल्लाह ये देखा ना, छोटे कद के हैं, बड़े स्मॉल से हैं बिल्कुल, माशाल्लाह ये देखें छोटे कद के हैं मुर्गा और मुर्गी। उन्होंने मसला हर नस्ल के जो है ना जानवर रखे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, ठीक है, इतने प्यारे यार, सो क्यूट। ये देखो, ये देखें मोरों के बच्चे हैं माशाल्लाह। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह मोरों के। ये भी स्मॉल हैं, ये देखें ये भी स्मॉल मोरों हैं, छोटे छोटे माशाल्लाह, कितने प्यारे हैं यार, ये उससे भी ज़्यादा प्यारे हैं। ये देखें ना, ये भी एक नस्ल है इनकी, इनके साथ के ना गर्मी की वजह से मर गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि सीधा पंखा होता है और साया होता है ना, तो इन सब मोटों को हमने इकट्ठा कर दिया। ये ब्रामा है, अच्छा, ये जो आपको ना ये बड़े लाइट ब्रामा इन्हें कहते, ठीक है। ये मतलब अंडे वगैरह देते हैं, ब्लैक हैवी कोचीन भी इन्हें कहते हैं। अच्छा, ये अंडे वगैरह देते हैं, अंडे वगैरह देते हैं बड़े जी, इनके बच्चे शच्चे भी बड़े निकलते रहते हैं जी जी। ये सेल करते हैं, ये देखो माशाल्लाह बड़ा कद का है, अभी अंकल ने हमें बताया। माशाल्लाह ये कौन सी नस्ल के, ये फायर सेल ने, ये अगर तुम लेना भी चाहो तो ये दे महंगे भी नहीं। एक एक नस्ल देने, इनको पॉलिश कहते हैं। अच्छा, ये पॉलिश है, पॉलिश है ना, अच्छा ये पॉलिश, इनको पॉलिश, अच्छा 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 ठीक है। हाँ जी, ये साड़ी पॉलिश नहीं पंजाबी, ये जो है ना इनको ओनागा डोरी कहते हैं।
अच्छा ये इनकी और ज्यादा लंबी दुम होती है, ये भी यंग है। अच्छा अच्छा ये यंग है तो तकरीबन ना बड़ी कई गज लंबी होती है, मतलब दुम लंबी होती है। तो ये ना ये तो वही ना ये ये वाले कौन से हैं जी? ये वाले ये जो है ना इनको कहते हैं जी सिल्वर स्प्राइट। अच्छा सिल्वर स्प्राइट जी। अच्छा अच्छा ये जरा लगता है हमलावर होगा खोलेंगे। अच्छा अच्छा फिर नहीं खोलते इसे। और आपका ये कैमरा में खोल दे बड़ा ना बहुत ही कोई हाथ ये देखना ये हां डाल नहीं देता। अच्छा कोई नहीं डाल देता ये देखना अबे हाथ कर रहा हूं ये लड़ेगा ये 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 देखो ये देखो लड़ रहा है जी अभी अभी इसका जो है ना डोर नहीं खोलते कि ऐसे नहीं को नुकसान ही ना दे। ये देखे ये वो भी माशाल्लाह इन्होंने सेटअप बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और अभी उनके जो सारे परिंदे हैं वो हमने देखे हैं और उन्होंने इंट्रोडक्शन भी कराया अंकल ने, तो कहते हैं आप कभी हमारे पास आराम से आएँ तो हम आपको सारी डिटेल के साथ बताएंगे। चले उनके पास एक कबूतर जहाँ लेने जाने वहाँ चलते हैं। और ये क्योंकि इनमें वैरायटी बहुत है तो इसलिए ये पिजन्स की मेरे पास इसमें ज़्यादा हो गई है, इनमें वैरायटी बड़ी। अच्छा वैरायटी बड़ी है तो मुझे शौक होता है कि हर किस्म की जी ये नहीं नस्ल है सही मूव इसको नॉर्विच कहते हैं जी ये। अच्छा, जो फुला है ठीक है ठीक है। और ये वाले और ये जो है ना रिवर्स विंग पाउडर इन्हें कहते हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ये तो ये मतलब पिजन नस्ल के हैं ना सारे। ये जो है ना इन्हें माल्टीज कहते हैं। अच्छा अच्छा ये भी पिजन है लेकिन इसको माल्टीज कहते हैं। और ये ट्रम्पीटर बुखारा इसको कहते हैं। ये बड़े प्यारे माशा देखने ये भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा ये अब मेरे ब्रीड कर रहे हैं जी? ब्रीड कर रहे हैं आजकल थोड़ा सा मोल्डिंग पे है और इस सीज़न में ज़रा इनके बच्चे कम निकलते हैं अंडे दे में तो इसलिए ये फिर ज़्यादा ठीक। तो देखिए हर नस्ल के इनके पास कबूतर है। ये जो है ना इनको मोर हेड कहते हैं। अच्छा मोर हेड है ये वाले। ये जैकोबिन है। माशाल्लाह ये हो गए जी बहुत प्यारी नस्ल के हैं जी। ये जैकोबिन ये जी है वो बूढ़ी है फीमेल बूढ़ी ने ये किंग बूढ़ी है। और ये वाइट जैकोबिन है आगे। ये स्वालो है जी। अच्छा ये स्वालो चेरी स्वालो कहते हैं ये। अच्छा ये तो बड़े वो मेरे ख्याल इकट्ठा लिए ये आपने वो बना लिए थे। अच्छा ये तो लक्के हो गए। और ये भी स्वालो हैं जी। अच्छा और ये ब्लू वाइट बार स्वालो हैं। अच्छा अच्छा ये तो वाइट है। ये फ्रिल बैक वाइट वाले हैं जी। हां ये हो गए जैकोबिन वाइट हैं। हां बिल्कुल माशाल्लाह। ये इधर के ना वो ये बड़ी छोटी बुड्ढा फेस्ट। अच्छा बुड्ढा बुड्ढा ये हमें इनकी जबान नहीं याद आएगी नस्ल। दूरबीन भी इसको वैसे हम पाकिस्तानी हम इनको दूरबीन भी कहते हैं। अच्छा दूरबीन भी कहते हैं। ये मुखी है। अच्छा ये मुखी वाले हो गए। ये करबलाई है। अच्छा ये करबलाई हो गए। और ये नीचे जो है मैं इनको फलस्तीनी कहता हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन आम आदमी इनको इसराइली कहते हैं। अच्छा मैं इसराइल को मानता नहीं हूँ इसलिए मैं इन्हें फलस्तीनी कहता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ठीक है। ये वाले कौन से हो गए? और ये डेनिश हैं जी। ये साथ इनके चिक्स भी हैं। ये रेड डेनिश हैं। और ये स्विंग नेक है जी। ये देखे ना कि ये करते हैं ऐसे हिलाते रहते हैं स्विंग नेक ये जी। ये देखें इनकी गर्दन आटे में गर्दन भी बहुत लंबी और हल्की रहती है। इनकी गर्दन लंबी और खूबसूरत। अच्छा ये वाले हो गए। ये कौन से? ये इसका नाम ही बताया था आपने। मेरे ये निकला गड़ा है। ये डेनिश है सामने। ये क्या वो ओट शुगर है? ये इसने आपको कहा कुछ विशाल बैठ कर। अच्छा क्या भी देता है जी? जी आप आगे बुलाते। अच्छा चलो और वो मुझे ख्याल नहीं रहा बातों में ये इसको हटवाना होता है। अच्छा अच्छा ये वैसे तो कुछ नहीं कहता बाहर मेरे साथ भी फिरता रहता है। अच्छा अच्छा अंदर कोई आए फिर आमतौर पर ये हमलावर हो भी जाते हैं। ये देखें ये भी फैंसी मुर्गियाँ हैं चिकन है। और ये माशाल्लाह सही बड़े हैं।
देखें कैमरे को ना मारते हैं चूंज, मुझे तो इनका डर लगा रहता है कैमरे का। ये देखें माशाल्लाह बाकी कुत्ते से बाल बाल बच्चे उनके पास पड़ा पड़ा है, वो जर्मन शेफर्ड है तो वो कह रहा था शुक्र करो आपको कुछ कहा नहीं है, उनके साथ ही खड़ा था वरना वो अजनबी बंदों के साथ गहरी बात उसको तो पता नहीं लगता कुत्तों को अजनबी बंदों को अटैक भी कर सकते हैं, तो अल्लाह ने बड़ा बचाया है। ब्लैक रोज कहते हैं जी, रोज कॉम भी कहते हैं, ये भी दुनिया के सबसे छोटे चिक्स हैं, चिकन चिकन इसे कह सकते हैं, बूढ़े हैं आप। अच्छा ये बूढ़े हो गए, ये देखो ना इनकी उम्र वाकई, लेकिन ये रहती इतनी है, ये अच्छे रहती इतनी है। हाँ जी, और ये जो है ना ये नहीं गोल्डन सरप्राइज कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये एक मुर्गी इधर आ गई है उनकी। अच्छा अच्छा, वो साथ वाला तो वही है जो लड़ता था। अच्छा ये वाला कौन, ये तो वही होगा, फोनिक्स है। अच्छा और जो जिनके ना बच्चे फिर रहे थे ना उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बांध हेलो माशाल्लाह, ये भी जी जी फोनिक्स हैं जी चिकन, और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे। अच्छा पे पहुँचे माशाल्लाह, ये भी चिकन बहुत प्यारे हैं। अच्छा सेहत सेहत चेक कर लो पहले, सेहत इन्हें बहुत अच्छी है। नारे की मादी है, ये मादी है जी, ये रहने में देखो ना, ये अजी पर नहीं है पूरे बिल्कुल सारा अजी छोटा, ये इस तो के ये पर नहीं है जी, ये उम्र भी जेड़ी है ना, ये जूं जूं उम्र चावन ना ज्यादा साइज कर दे जाने, इधर ध्यान कैंची पर